कैप्टनसी आना जाना ये ना मेरे हाथ में है ना मैंने इसके लिए क्रिकेट खेली है। जो 11 प्लेयर है वो आपके दोस्त है, वो हमेशा दोस्त ही रहते हैं, एक यूनिटी के साथ खेलते हैं, आपके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं और आप उससे जीतते भी। टाइम ये बताइएगा कि आप बच्चों से बात कर रहे थे कि आपके क्रिकेट के साथ ही जो है ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ये बच्चे ये हमारा फ्यूचर है और इनको आपको अच्छा मैसेज देना चाहिए। बच्चों को नेगेटिव चीज़ बिल्कुल भी नहीं सिखानी चाहिए। जो आपके जो 11 प्लेयर है वो आपके दोस्त है, वो हमेशा दोस्त ही रहते हैं, क्योंकि आपने एक ही कंट्री के लिए खेलना होता है, एक ही क्लब के लिए खेलना होता है, एक ही अकेडमी के लिए खेलना होता है, तो आपको हमेशा एज अ दोस्त ही खेलना चाहिए। और आई थिंक जब आप एक यूनिटी के साथ खेलते हैं आपके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं और आप उससे जीतते भी हैं। जब आप कैप्टनशिप से हटे, पाकिस्तान 6 मैच जीता, उसमें से 4 के आप मैन ऑफ द मैच हैं। आई थिंक कैप्टनशिप से ज़्यादा पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले आता है, फिर टीम है, फिर मैं हूँ। और क्योंकि मैं किसी पास्ट में नहीं रहता, मेरा काम है फ्यूचर में रहना और प्रेजेंट में रहना। फ्यूचर की चीज़ें मैं नहीं सोचता, क्योंकि फ्यूचर खुद ब खुद, अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो आप फ्यूचर के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें है, कैप्टनसी आना जाना ये ना मेरे हाथ में है ना मैंने इसके लिए क्रिकेट खेली है। मैंने क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान के लिए और मैं इज्जत से खेलूँगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान को मैचेस जिताऊँगा। अच्छा शाहिद, क्रिकेट जो टीम गेम है, टीम जीतती है और टीम जो हारती है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, लेकिन माहौल एक ऐसा बनाया गया कि पूरी टीम की जो कारकर्दगी है उसका जिम्मेदार सिर्फ जो शाहीन है उसका बिहेवियर जो है वो उसका जिम्मेदार है। क्या आपको लगता है बाकी ऐसा ही तो टीम गेम होता है, 11 खिलाड़ी नहीं खेलते? ये बल्कि टीम गेम भी नहीं होता, ये जो बाहर बैठते हैं वो और कोचिंग स्टाफ इस सब इसमें आते हैं। ये एक मुल्क की क्रिया हुआ है, आप अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक मेरी तरबियत बिल्कुल ऐसी नहीं हुई कि मैं टीम में कोई ऐसी चीज़ लाऊं, और मेरी तरबियत हमेशा यही हुई है कि टीम के लिए आप हमेशा फाइट करें और मैं फ़ाइट करता रहूँगा। मैं नेगेटिव चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखता और आई थिंक जब तक मैं खेलूंगा मैं प्राउड से खेलूंगा, ये पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। अच्छा बताइएगा कि अब सीरीज है, बांग्लादेश की सीरीज है, आगे सीरीज आ रही है, रेड बॉल क्रिकेट काफ़ी आ रही है, कैसी तैयारी है सीरीज में? तैयारी काफ़ी अच्छी है इंशाल्लाह, एक्स्ट्रा बॉलिंग भी हो रही है रेड बॉल के साथ और होपफुल कि ये सीरीज हमारी टीम के लिए काफ़ी अच्छी। अच्छा, आपसे कोई कम्युनिकेशन हुई है कि ये जो सीरीज है इसमें आप खेलेंगे? क्योंकि बहुत से लोग आपको कह रहे थे कि शाइन जो रेस्ट करवा रहे हैं, तो आप खुद रेडी हैं खेलने के लिए रेड बॉल? अच्छा, मुझे तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली कि मैं बैठ रहा हूँ, अगर मैं बैठूंगा तो आपको भी वो न्यूज़ मिल जाएगी। शाहीन, सवाल ये कि अब जो है 4 डे की बात करें, 5 डे क्रिकेट की बात करें, उस लिहाज से फास्ट बॉलर सामने रहे, आपने भी इतनी मेहनत की, क्यारत से खेले, आगे बढ़ते चले गए, टीम तक आए, क्या वजह है कि नौजवान जो है वो घबराते हैं मेहनत करने से, इसके लिए वो 4 डे के तैयार नहीं हो पाते, जल्दी इंजरी का शिकार हो जाते हैं? शॉर्ट फॉर्मेट के हद तक ज़्यादातर फास्ट बॉलर आ रहे हैं। आप मेरे ख्याल से जो रेड बॉल क्रिकेट है वो आपकी असल क्रिकेट है। T20 क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट बहुत शॉर्ट फॉर्मेट है, बड़ी जल्दी हो रहा है, अभी तो T10 भी हो रही है। तो मेरे ख्याल से जब आप रेड बॉल क्रिकेट करते हैं आपकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आती है। मैं खुद अपनी मिसाल इसलिए दूंगा कि मैं जब रेड बॉल नहीं खेल रहा था, वाइट बॉल में था, इतनी मेरी इंप्रूवमेंट नहीं होती, जितना मैं रेड बॉल खेलता रहा मेरी इंप्रूवमेंट हुई। और आई थिंक हर यंगस्टर को ये खेलना चाहिए, और हमारे आजकल के बच्चे ज़्यादा फ़ोन पे बिज़ी हो गए हैं, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये एक बीमारी है, इससे दूर रहें और आप जितना एक्टिविटी करें स्पोर्ट्स के किसी भी, उसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं, आप फुटबॉल खेलें, जो भी खेलें, लेकिन ये बच्चे हमारे फ्यूचर है और उसको सिक्योर करना चाहिए। ये बताइएगा कि आप जितना आप जो है वो क्योंकि लोग आपकी जैलस हो रहे हैं या आपकी मजबूरियत से जैलस हो रहे हैं, तो वो सी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, क्या शाहीन की परफॉर्मेंस से उनको डर है कि शाहीन बहुत आगे निकल गए बहुत पहले, तो इस वजह से कर रहे हैं, या उनको कोई जवाब देंगे कि भाई मेरा काम टीम की परफॉर्मेंस है? देखिए, मैं खुद बज़ाती इस चीज़ को नहीं देखता कि क्या हो रहा है पीछे क्या नहीं, मेरा काम है क्रिकेट खेलना और बचपन से शौक भी है क्रिकेट खेलना तो लोग आ जाते हैं नेगेटिव लोग, लेकिन आपका काम एज अ क्रिकेटर, एज अ प्रोफेशनल एथलीट, आपका काम है कि आप ग्राउंड में खेलें। आई थिंक वो आपका सबसे अच्छा, वहाँ पे आप जज होते हैं कि आप क्या करते हैं, लेकिन मेरा जो ज़्यादा परफॉर्मेंस में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, ये चीज़ें होती रहती है वक्त के साथ, वक्त एक जैसा नहीं होता, और हमेशा आपको इसी में रहना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, तो आई थिंक परफॉर्मेंस पे ज़्यादा मेहनत फोकस।